हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ये है मोहब्बतें सीरियल में रमन भल्ला का किरदार निभाने वाले एक्टर की लाइफस्टाइल के बारे में। अगर आप उनके फैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। उनका रियल नेम है करण पटेल, उनका निकनेम है करण। 23 नवंबर 1983 में उनका जन्म हुआ था। उनका बर्थ प्लेस है कोलकाता, वेस्ट बंगाल। उनका हाइट है 5 फीट 7 इंच और उनका वेट है 68 केजी। उनका बॉडी मेजरमेंट है चेस्ट 43, बाइसेप्स 32 एंड वेस्ट 16। उनका जोराइक साइन है सेगिटेरियस। साल 2021 में उनका रियल एज है 39। उनके हॉबीज है ट्रैकिंग, वर्कआउट और हॉर्स राइडिंग। चलिए जान लेते हैं उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। उन्होंने मुंबई की उत्पल सांगवी स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है। इसके बाद उन्होंने मुंबई की मीठीबाई कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की है। उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो ग्रेजुएट है। उनकी प्रोफेशन की बात करें तो वो एक एक्टर है। चलिए जान लेते हैं उनके करियर के बारे में। करण किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट और लंदन यूनिवर्सिटी गए थे। एक्टिंग के अलावा उन्होंने शामक दावर डांसिंग स्कूल से भी डांस में ट्रेनिंग ली है। उन्होंने कहानी घर घर की सीरियल के साथ टेलीविजन इंडस्ट्री में अपना पहला डेब्यू दिया था, जहां पर उन्होंने विज्ञात का किरदार निभाया था। साल 2006 में उन्होंने कसौटी जिंदगी सीरियल में करण के किरदार में नजर आए थे। इसके बाद वो उन्हें कई सीरियल्स में देखने को मिला, जैसे कि केसर, काव्य अंजलि, कसम से और करम अपना अपना। साल 2007 में कस्तूरी सीरियल में उन्होंने रॉबी सबरवाल का किरदार निभाया था। उन्हें पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हुआ जब वो ये है मोहब्बतें सीरियल में रमन भल्ला के किरदार में नजर आए। साल 2020 में कसौटी जिंदगी की सीजन 2 में उन्हें ऋषभ बजाज के किरदार में देखने को मिला था। एक्टिंग के अलावा उन्होंने कई टेलीविजन शोज में कंटेस्टेंट के तौर पर पार्टिसिपेट भी किया था, जैसे कि नच बलिए सीजन 3, झलक दिखलाजा सीजन 6, बॉक्स क्रिकेट डिक सीजन 1, किचन चैंपियन सीजन 5 और फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी सीजन 10। करण पटेल बहुत ही अच्छे होस्ट है। उन्होंने कई टेलीविजन शोज होस्ट भी की है, जैसे कि कहो ना यार है, गुमरा सीजन 5 और नच बलिए सीजन 7। उन्होंने सिटी ऑफ गोल्ड मूवी के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना पहला डेब्यू दिया था। इसके बाद वो कई बॉलीवुड मूवीज में नजर आए थे, जैसे कि शूट आउट एट वडाला और फार्मर्स। चलिए जान लेते हैं उनके फैमिली में कौन कौन है। साल 2014 में उन्हें 3 अवार्ड्स मिले थे, जैसे कि इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड्स, इंडियन टेली अवार्ड्स और गोल्ड अवार्ड्स। साल 2015 में बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में उन्हें इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड्स दिया गया था। ठीक उसी साल उन्हें बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में इंडियन टेली अवार्ड्स भी दिया गया था। साल 2016 में बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में उन्हें गोल्ड अवार्ड्स दिया गया था। साल 2017 में बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में उन्हें गोल्ड अवार्ड्स दिया गया था। साल 2018 में मोस्ट सेलिब्रेटेड एक्टर की कैटेगरी में उन्हें गोल्ड अवार्ड्स मिला था। चलिए जान लेते हैं उनके फैमिली में कौन कौन है। वो हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। चलिए देख लेते हैं उनकी फैमिली की तस्वीरें। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो कुछ समय के लिए उन्होंने टीवी एक्ट्रेस कामिया पंजाबी को डेट किया था। करण ने एक्ट्रेस समिता चंदेकर को भी डेट किया है। साल 2015 में उन्होंने टीवी एक्ट्रेस अंकिता के साथ अभी उन दोनों का एक बेटी है जिनका नाम है मेहर। उनका बेस्ट फ्रेंड है टीवी एक्ट्रेस दृष्टि धामी और टीवी एक्टर मोहित मलिक। चलिए जान लेते हैं उनकी इनकम के बारे में। सैलरी के बारे में बात करें तो पर एपिसोड के लिए वो 2 लाख रुपए लेते हैं और उनका नेट वर्थ है 14 करोड़। चलिए देखते हैं उनकी कार कलेक्शन। उनके पास मर्सिडीज बेंच मॉडल की कार है जिसका कीमत है 42 लाख। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगली वीडियो में आप किसका लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं ये कमेंट करके हमें जरूर बताइए।
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।